जय माता दी। मैं चार अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका जोशी और आपका मार्गदर्शक ज्योतिष आशा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल 2021 के बारे में। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका भाग्य 2021 को बेहतर करने के लिए, करिए छोटे से उपाय। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष आशा को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल 2021 के बारे में, साथ में वर्ष को बेहतर करने के लिए हम बताएंगे आज छोटे छोटे से उपाय। देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 2021 बेहतरीन रहेगा, लेकिन आपको छोटे से उपाय भी करने ही होंगे, क्योंकि इस वर्ष कुछ रुक रुक करके आपके पास समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए आपको बेहतर करने की जरूरत है, कुछ उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर शनि महाराज की ढैया चल रही है और ढैया चलने के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, मान सम्मान में कमी आएगी और आपके कामों में रुकावटों का संभावना भी बन रही है। तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम ऐसे छोटे से उपाय बताएंगे जिसके करने से आपका भाग्य उत्तम हो जाएगा, आपको समस्याओं से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं करियर के लिए। करियर के लिहाज से देखते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए आपके दशम स्थान के स्वामी आपके आठवें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो कि अप्रैल तक गोचर करेंगे। तब तक आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपने कर्म में निरंतर प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं तो सफलताएं आपको जरूर प्राप्त होंगी। मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रमोशन के लिए रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। अगर आप अपने पार्टनर के नाम से कोई भी व्यापार करते हैं या उनके कहने पे कोई भी काम करते हैं अप्रैल के बाद से आपको बेहतर मुनाफा होने का भी योग प्राप्त हो रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के नाम से कोई भी काम करते हैं तो आपको सफलताएं अवश्य मिलेगी, लेकिन अप्रैल के बाद, अप्रैल से पहले देखते हैं तो आपको रुकावटों का सामना करना ही पड़ेगा और अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान देना होगा। अप्रैल के बाद से आपके सामने कुछ नए एग्रीमेंट आ सकते हैं करियर के बारे में, जो आप हासिल करके बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं सितंबर से लगा करके दिसंबर तक का महीना आपके लिए बेहतर अवसर लेकर के आएगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा, लेकिन आपको सजग होकर के काम भी करना होगा, मेहनत अधिक करनी होगी, क्योंकि इस वर्ष शनि के ढैया का प्रभाव भी आप पर पड़ रहा है और आपको मेहनत अधिक करनी ही पड़ेगी। और किसी के बहकावे में आकर के कोई भी नया काम ना करें, बहुत सोच समझ करके ही काम को करें। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक स्थिति से देखते हैं यह वर्ष आपका सामान बना रहेगा, मेहनत आपको अत्यधिक करनी पड़ेगी, कर्म आपको अत्यधिक करना पड़ेगा, क्योंकि देखते हैं इस वर्ष गुरु बृहस्पति और शनिदेव आपके आठवें स्थान पर गोचर करने के कारण आपको अत्यधिक तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और ये देखते हैं आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है, बजट आपका गड़बड़ा सकता है, क्योंकि राहु ग्रह भी आपके बारहवें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको आकस्मिक रूप से खर्च हो सकता है। लेकिन बारहवें स्थान पर गोचर करने के कारण कभी कभी बाहर के लोगों से मदद भी मिल सकती है और आपको बहुत सोच समझ करके ही काम करना पड़ेगा। निर्णय पूर्वक काम करिएगा, सोच समझ के काम करिएगा तो स्थिति आपकी बेहतर बन जाएगी। और देखते हैं जनवरी लास्ट, फरवरी, अप्रैल और मई जून, ये महीने आपके लिए बेहतर बने रहेंगे। जनवरी पहले सप्ताह और इसके अलावा देखते हैं मार्च, ये महीने आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह सकती है। बाकी के महीने देखते हैं लास्ट में आपका बढ़िया सा बना रहेगा। और आर्थिक लिहाज से देखते हैं आपके बहुत सोच समझ के कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। और अगर देखते हैं मेहनत आपको अत्यधिक करनी ही पड़ेगी। छोटे से उपाय आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आपको करना ये है, अपने घर के पूर्व में एक मटके में, मटके को कलर आप सफ़ेद कलर का रंग करके पूर्व दिशा में उसमें जल भर करके रख दिया करें। और अगर आप पूरे रखे रहें और उस पानी को रोज़ बदल दिया करें या उस पानी को आप रोज़ यूज करेंगे, स्थिति आपकी बेहतर होगी।
दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको अपनी स्थिति बेहतर करनी है तो आपको थोड़े से पीले चावल लेकर के रंकर को बृहस्पतिवार में जिस दिन गुरु पुष्प योग हो उस दिन आप उसको अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए और मन से ही माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी स्थिति बेहतर हो जाए। दूसरा बात यह है, आपको ध्यान रखना होगा कि सुबह आपको जल्दी स्नान प्रतिदिन करना ही होगा, और अगर आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, आलस को दूर भगाते हैं, तो आपके ऊपर सन के ढैया का भी प्रभाव कम होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। तो आइए हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक लिहाज से देखते हैं, यह वर्ष आपका अच्छा जाएगा, खुशनुमा बना रहेगा, घर के सदस्यों के बीच में मेल जोल रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार का कोई सदस्य कुछ अच्छा करेगा जिसके कारण कि आपके भी सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार में कोई मांगलिक उत्सव होगा जिसको कराने के लिए इस वर्ष आप व्यस्त रहेंगे, किस तरीके से अच्छा आयोजन हो जिससे कि आपकी प्रशंसा के पात्र बने और इस घर में कोई नया सदस्य की वृद्धि अवश्य होने के योग बन रहे हैं। अगर देखते हैं इस वर्ष पारिवारिक लिहाज से किसी परिवार के खास सदस्य के साथ आपका थोड़ा सा विवाद हो सकता है, लेकिन आगे चल करके वह विवाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, आपस में मनमुटाव भी ठीक होगा और मेल भाव भी बन जाएगा। तो इस वर्ष देखते हैं पारिवारिक लिहाज से सुख शांति घर में बनी रहेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक लिहाज से देखते हैं यह वर्ष आपका सामान्य बना रहेगा, आप और आपकी पत्नी के बीच में जनवरी फरवरी के महीनों में अच्छा सा मधुर संबंध बना रहेगा, आप लोगों के बीच में तालमेल बहुत ही अधिक होगा। इसके आगे देखते हैं स्थिति सामान्य बनी रहेगी और आपकी पत्नी दोनों लोग एक दूसरे का साथ देंगे जिससे कि वर्ष पर्यंत आपको किसी तरीके का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़े सा सुझाव भी दे देते हैं, इस वर्ष आप देखेंगे कि आपकी पत्नी के अंदर थोड़ी सी अहंकार की भावना आ जाती है, अहम की भावना आ जाती है, जिससे कि समय पर आपके साथ भी कुछ बातचीत हो सकती है। इसके लिए आप उन्हें समझा बुझा करके अहंकार की भावनाओं को त्यागने के लिए कुछ अच्छे से उदाहरण दीजिएगा साथ में, क्योंकि इस अहंकार का प्रभाव अगर हम देख रहे हैं तो आपके परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए पत्नी को या पति को जो भी आपके पार्टनर हो वो अहंकार की भावनाओं को समझाने के लिए बस उनसे बातचीत करें, अच्छे से उदाहरण दें जिससे कि अहम की भावनाएं जो है आपके जीवन साथी से दूर हो सके। और पूरे वर्ष देखते हैं स्थिति सामान्य बनी रहेगी। संतान पक्ष देखते हैं, संतान पक्ष की इस वर्ष उन्नति होने का योग बन रहा है, आप संतान को सहयोग दीजिएगा, हौसला अफजाई करिएगा और समय समय पर उनका मार्गदर्शन करिएगा, संतान पक्ष से इस वर्ष आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य ही दौलत है, अगर स्वास्थ्य ही रहता है तो व्यक्ति को संपूर्ण चीजों की प्राप्ति हो ही जाती है। तो देखते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से इस वर्ष आपको थोड़ी सी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति शनिदेव आपके आठवें स्थान पे, केतु आपके छठवें स्थान पर कुछ विपरीत प्रभाव का संकेत दे रहे हैं। इसलिए खान पान में विशेष सावधानी करें, वसा युक्त भोजन का कम प्रयोग करें, स्वस्थ वर्धक हरी साग सब्जियों का प्रयोग आप अवश्य करें, प्राणायाम करें, योगा करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। और आपको इस वायु से संबंधित अनिद्रा, सिर दर्द, पेट से जुड़ी हुई कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सतर्क रहने की जरूरत है तथा वाहन को भी सोच समझ करके चलाएं। और आपके लिए विशेष उपाय यही रहेगा, अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं इस वर्ष आप लाजवर्त रत्न को अपनी मध्यमा उंगली में अवश्य धारण कर लें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार रोज जब अवश्य कर लें। अब हम बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। शिक्षा के लिहाज से देखते हैं यह वर्ष आपका अनुकूल रहेगा, अप्रैल से लगाकर सितंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहेगा, जो भी परीक्षा देंगे उसमें आपको सफलताएं अवश्य मिलेगी। बाकी के महीने देखते हैं शुरुआत में और लास्ट में अगर देखते हैं तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केतु ग्रह आपके छठवें स्थान पर गोचर करने के कारण आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अत्यधिक मेहनत करने के बाद ही आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति
होगी और मिथुन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, कुछ व्यवधान आ सकता है और उसके लिए आपको चाहिए कि नित्य जो है गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अवश्य ही आपके काम जो है पूर्ण होंगे और बाहर पढ़ने में आपको सफलताएं मिल जाया करेगी। तो आइए हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम के लिहाज से देखते हैं यह वर्ष आपका सामान्य से बेहतर जाएगा। जनवरी फरवरी के माह में आप और आपके प्रेमी के बीच में बहुत अच्छा सा मधुर संबंध बना रहेगा। आप लोग एक दूसरे को उपहार दे सकते हैं, लेकिन मंगल की पांचवी दृष्टि पड़ने के कारण आप लोगों के मन में कुछ गलत फहमियां आ सकती हैं या एक दूसरे के प्रति अहम की भावनाएं आ सकती हैं। सोच समझ करके काम करें, नहीं तो रिश्ते भी यहाँ पे बिगड़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर अवश्य आप ध्यान दें। और अगर देखते हैं आपके फरवरी के बाद के महीनों में, देखते हैं सितंबर तक का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई में आप लोग एक दूर कहीं मिलने जाएंगे, दूर समय व्यतीत करेंगे, जिससे कि मन में एक नई ऊर्जा का संचार आपके जरूर होगा। बाकी का समय देखते हैं आप लोगों के बीच में अनुकूल अवश्य रहेगा। सितंबर और अक्टूबर के बीच में कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन मिल बैठ करके फोन पर वार्ताएं करके आप लोग अपने विवाद को सॉल्व जरूर कर लेंगे। और देखते हैं प्रेम के लिहाज से आप लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा जाएगा, मधुर जाएगा, रुकावटों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आपको इस वर्ष के खास उपाय के बारे में, जिसका है आपको इंतजार, क्योंकि ये छोटे से उपाय करेंगे तो आपके ऊपर सन की ढैया का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा 2021 में, और आपका समय बहुत ही अनुकूल चलता चला जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपके आठवें स्थान पर इस वर्ष गोचर कर रहे हैं। तो आपको उपाय क्या करना है, आपको उपाय ये करना है कि आठवें स्थान पर शनि के गोचर करने के कारण उनके प्रभाव को दूर करने के लिए, और आपको इस वर्ष हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के अंदर खो जाना है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ एक बार या 11 बार अवश्य करिएगा, जो भी आपको संभव हो, और दोनों मीटिंग करिए। हनुमान जी के पैर के दहने सिंदूर आप अपने जो है सर पे लगाइए। हनुमान जी के जब भी किसी मंदिर में जाएं, इसी मंदिर में जाएं जहाँ परिक्रमा करने का स्थान हो, वहाँ पे आप हर मंगलवार या शनिवार जब आप दर्शन करने जाएं परिक्रमा करें और प्रभु से आशीर्वाद लें कि आपका जीवन जो है अच्छा चले, उत्तम चले। और अगर आप अपने हृदय के साथ आत्मिक भाव से ऐसे विचार करते हैं तो समय आपका उत्तम अवश्य जाएगा। बहुत सरल उपाय है, करिएगा जरूर, क्योंकि कठिन उपाय आप कर पाए या ना कर पाए, सरल उपाय है, प्रभाव इसके बहुत ही गंभीर होते हैं, अर्थात बहुत ही सुलभ और सुंदर होते हैं, गंभीर कहने का मतलब, और इसका प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु हनुमान जी की शरण में रहिए, क्योंकि कलयुग में शनिदेव से अगर कोई बचा सकता है तो हनुमान जी ही आपको बचा सकते हैं। उनके शरण में रहिएगा, दिन समय वर्ष बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाएगा, जिसका कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ही आपका ये समय सरलता के साथ में चला गया। और आपको छोटा सा उपाय ये भी है, महीने में एक बार अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इस वर्ष आपको दान अवश्य करना है, देखिएगा समय बहुत उत्तम रहेगा। साथियों, यह था हमारा वार्षिक राशिफल 2021 मिथुन वालों के लिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, जरूर संपर्क करें दिए गए नंबरों पर, हम बताएंगे आपकी समस्याओं का समाधान, हम करेंगे आपके तकलीफों को दूर। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्योतिषाता यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइए। साथ में अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, अगर आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, अगर आप व्यापारिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, या आप वैवाहिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, या घर में कलह है, या बच्चा आपका सही नहीं कार्य कर रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल। साथ में आपको हम एक उपाय भी बताएंगे। साथ में अगर आपको किसी भी तरीके से तकलीफ है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम आपकी समस्याओं को जरूर करेंगे दूर। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपकी ज्योतिषीय समस्याओं का बिल्कुल नहीं। साथियों, आपको हमारा YouTube चैनल कैसा लग रहा है,
और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं जरूर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, ज्योतिष आशा यूट्यूब चैनल पर संपर्क करें, हम आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, नए नए वीडियो आएंगे, नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके से तकलीफ है, व्यापारिक समस्याएँ हैं, व्यवहारिक समस्याएँ हैं, तो आप जरूर निसंकोच दिए गए नंबरों पर संपर्क करेंगे, हम आपकी समस्याओं को करेंगे दूर। अगर आपको व्यापार रुक रुक के चल रहा है तब भी आप संपर्क करिए। जय माता दी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए राशिफल के साथ।